यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को मतदान होना है। इससे पहले यूपी बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए लॉन्च किया है। इस सॉन्ग के वीडियो में अतीक अहमद को भी दिखाया गया है। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया गया है। इस सॉन्ग के जरिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। गाने में मुजफ्फरनगर दंगों, महिलाओं के खिलाफ अपराध, मुख्तार, गायत्री प्रजापति का भी जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में प्रचार वाहनों पर इस सॉन्ग को दिखाया जाएगा। इस गाने के बोल हैं, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर यूपी को वापस चलाइए, यूपी को जिसने लूटा वो नेता तुम ही तो थे, जेपी के सपने तोड़ दिए वो बेटे तुम ही तो थे, एक बार फिर से टोंटी चुराइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए। एक तरफ अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को नगर निकाय चुनाव में जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है कि अपराधियों और माफियाओं को समाजवादी पार्टी की सरकार में संरक्षण मिला। इसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे नाम भी शामिल हैं। 4 मिनट के इस गाने के वीडियो में 2 बार अतीक अहमद को दिखाया गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नगर निकाय चुनाव में लोगों के बीच जाकर समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के कनेक्शन को भी याद दिलाना चाहती है। जानकारी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के LED प्रचार वाहनों पर भी इस गीत को दिखाया जाएगा। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।